अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो है ना हमने फेरी टेल वन मुकम्मल तो कर लिया, लेकिन ये देखें ये जो है ना फेरी रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कि फेरी टेल टू करें, जो कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा लेवलिंग की ज़रूरत है, 57 हर बलोर चाहिए, 59 जाना 49 जाना फार्मिंग चाहिए और 43 विंग। हमने जो है ना इसको अनलॉक करना है, तो मैं आपको जो है ना बस हमने शुरू करनी है क्वेस्ट, ठीक है। चीज़ कोई भी नहीं लेनी हमने, तो ट्रेनर विलेज में जाना है मास्टर गार्डियन के पास, ये क्वेस्ट भी वहाँ से स्टार्ट होगी। अब जहाँ भी हूँ ठीक है, अपने ड्रैनर विलेज जाना है, तो मैं जहाँ पे हूँ मैं यहाँ से इस निकते सब पसाज मेरे पास है, तो विजार्ड टावर जाता हूँ मैं। उसके साथ ही है ड्रैनर विलेज, चलते हैं मास्टर गार्डियन के पास, क्या कहता है उससे बात करनी है हमने। ये है जनाब मास्टर गार्डियन, दूसरा ऑप्शन कंटिन्यू करते जाना है। तो ये क्वेस्ट ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपने 5 मिनट वेट करना है, ऐसे बात नहीं करनी, फिर इससे दोबारा बात करनी है आपने, ठीक है जी। 5 मिनट वेट करने के लिए से बेहतर है हम एजिलिटी के लेवल कर रहे थे, अगर किसी के 10 आए ना एजिलिटी के लेवल, तो ये ड्रैनर वाले जो है ना रूफ टॉप कोर्स कर सकते हैं। ये देखें तो मैं 5 मिनट में भी आपको यही जाना कहूँगा कि आप जाना एजिलिटी के 10 करके आए, ताकि 5 मिनट आप जाया ना करें अपने, और ये एजिलिटी करते रहें लेवल, क्योंकि 5 मिनट के बाद ही बात होगी हमारी उससे। अभी हमारे 5 मिनट तकरीबन पूरे हो गए, हम चलते हैं, देखें हमारे एजिलिटी के 4 लेवल हो गए। अच्छा गार्डियन से दोबारा बात करनी है अपने, ये दूसरा ऑप्शन, तो ये हमें जाना दोबारा भेज देगा सुनारियस, पहला ऑप्शन आपने करना, देख सकते हैं आपकी जो है ना क्वेस्ट शुरू होगी, ये शुरू होगी ठीक है। अच्छा एक चीज़ लाजमी है कि आपने ये डर्मन स्टफ अपने पास लाजमी रखनी है, क्योंकि उसके अंदर जाना है हमने। अभी हम चलते हैं जनाइस, तो यहाँ से दौड़ लगानी अपने,
हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दरवाज़ा अपने ओपन करना है और अंदर चले जाना है। सीधा फेरी क्वीन के रूम के पास जाना है ना। यहाँ पे एक कट सीन शुरू होगा ऐसे, क्योंकि फेरी क्वीन गायब हो चुकी है। ये तो कहीं कट सीन है। कंट और ये जो है ना हेल्दी सर्टिफिकेट चेक, ये उठा लेना अपने लाजमी। ये है जनाब नर्स सर्टिफिकेट, ये लाजमी होता है। नहीं ये रीड कर लेना, बस समझ तो किसी को भी नहीं आता। तो यही है, इसको उठा के आपने क्या करना है, ऐसे हटाना है। ये जो है ना रेंज के साइन पे जाना है ना, कुकिंग रेंज। ये सबसे हमने बात करनी है। ये शेफ है, कंटिन्यू करना तो फिर बात करनी है। ये कह रहा है मैं फिर बस कंटिन्यू कर देना, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने जाना है जनाब, जहाँ से हम टैंक रिपीट को मारने गए थे वहाँ पे जाना हमने। वहाँ पे एक स्टोन होगा, वहाँ से इसको रीड करना है हमने। देखें बिल्कुल आखिर में हमने आना। यहाँ पे इधर आना हमने, इसके साथ ही ये यहाँ पे होगा स्टोन। ये रहा रियोन टेंपल साइन, इधर आपने करना है रीड। इस तरह आएगा, इस तरह करना है बस। उसके बाद हमने जाना है गॉड फादर के पास, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं करना, यहाँ भी क्लिक कर देना प्लेयर खुद ब खुद आ जाएगा। गॉड फादर आपको पता कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे स्लेयर का ऑप्शन है। इससे बात करेंगे, पहला ऑप्शन कंटिन्यू करते जाना है आपने।
फिर पहला ऑप्शन। कंटिन्यू करना फिर पहला ऑप्शन। इसके बाद जाना है यहाँ पे फेरी रिंग के पास, जहाँ पे ये एरो का निशान है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक इनका एजेंट फिर होगा, उससे बात करने हमने ये है फेरी फिक्स से बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन करना है अपने, ठीक है अभी यहाँ पे आना, इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें अभी मैं जाना आपको ग्रैंड एक्सचेंज के पास ले जाता हूँ, डी के उसका कोड है, ये कोड आपने डायल करना है सर, डी के आर क्लिक करना है आपने। ये देखें आप क्या ना ग्रैंड एक्सचेंज आ गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट।